दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपार फर्नीचर में। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ धार लगाने का देसी जुगाड़। मतलब हमने एक जुगाड़ बनाया जिससे धार आसानी से लग सकता है डायमंड पाने में, और पाना थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने ये कैसे जुगाड़ बनाया है पूरा प्रोसेस लास्ट तक देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लास्ट तक एंजॉय कीजिए। ये जो हमने पहिए कट किए, इसको बीट से कट किया, जो लॉक का 2 इंच का बीट आता है राउंड लॉक का, उस बीट से हमने 4 पैर तैयार कर लेना है और पेपर से घस के परफेक्ट शेप दे देना है। ये जो जुगाड़ बना रहे हैं, इससे ये होता क्या है, मतलब जो हम पाना जब हाथ से घसते हैं तो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है पाना, तो वो टेढ़ा होने का चांस नहीं होता। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीधा धार लगेगा, मतलब क्योंकि ये फिक्स जगह पे रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। हमने यहाँ पे 4.5 इंच के 2 टुकड़े काट लिए बीडिंग में से, 2 इंच बाय आधे इंच का ये बीडिंग पट्टी है साइज़ में। इसको हमने 4.5 इंच का कट कर लिया है और नीचे से 1/2 इंच पे हम इसे 8 हेक के बीट से 6 होल कर लेंगे। मतलब होल करके वहाँ पे स्क्रू से हमें पहिए फिक्स करने, तो मैं 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेता हूँ। 4.5 इंच का ये टुकड़ा है, मार्किंग हमने कर लिया है। अब हम बीट लगा लेंगे, बीट के मदद से हम 4 होल कर लेंगे। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमने इसमें होल कर लिया। ऐसे ही करके हमें चारों में होल कर लेना है। सेंटर में तो ये होल हमारे हो चुके हैं। अब मैं आपको पहिया फिक्स करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमने स्क्रू 19/6 का यूज़ किया है, क्योंकि 19 8/1 के बीट से होल मारा था मैंने। अब इसको पेचकस की सहायता से टाइट कर लेंगे पहियों को, चारों में टाइट कर लेंगे। ये देख सकते हो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी साइड में भी हम इसे, और एक चीज़ और है, अगर ये हम बना लेते तो कोई भी नया लड़का भी है उसे भी दे सकते धार लगाने के लिए, उसे भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी धार लगाने में। ना पाना टेढ़ा होने का डर, ना ख़राब होने का डर, आसानी से पाने में धार लगाया जा सकता है, वो भी अच्छे क्वालिटी का धार। देख सकते हो आप अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारा पहिया। ऐसे ही हमें 2 सेट्स तैयार करने, तो ये 1 सेट हमारा तैयार हो चुका है, दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा स्किप किया मैंने, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा दूसरा भी लगभग तैयार है। दूसरे पे एक फिक्स कर लेते हैं नीचे के स्क्रू से। स्क्रू में यहाँ पे एक को की यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्क्रू है। देख सकते हो दोनों तैयार हो चुका है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अक्सर करके हर लोग जो है 30 डिग्री में लगाते हैं। मेरा जो डिग्री है, मतलब 1 डिग्री जिस पे मैं लगाता हूँ धार, उस डिग्री पे मैं बीच का टुकड़ा फिक्स करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं वाशर फिट कर लेते हैं, क्योंकि होल थोड़ा बड़ा हो गया है जिसकी वजह से स्क्रू निकल जा रहा है, तो वाशर को फिट कर लिया यहाँ पे हमने। अभी देख सकते हो दोनों सेट तैयार हो चुका है। तो ये मैं एंगल निकाल लेता हूँ, 2 इंच की पट्टी से मार्किंग कर लिया दोनों पे, और मैं 45 डिग्री पे मार्किंग कर लेता हूँ, 2 इंच बाय 2 इंच का 45 डिग्री पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो मैं 45 डिग्री का यूज़ करूँगा धार लगाने के लिए, जो कि परफेक्ट होता है, जल्दी टूटता नहीं है। जो मार्किंग हमने कर रखी है वहाँ पे हमें बीडिंग पट्टी फिट कर लेना है। तो मैं 3.5 इंच की बीडिंग पट्टी ले रहा हूँ, 3.5 इंच की बीडिंग पट्टी ले रहा हूँ फिक्स करने के लिए, क्योंकि पाना हमारा 2 इंच का है। देख सकते हो हमने कट कर लिया है। अब जैसे हमने पहियों को होल मार के फिक्स किया, वैसे सेम इसको भी होल करके हम लोग फिक्स कर लेंगे। देख सकते हो ये एंगल हमारा, तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं सेम टू सेम ऐसे ही। तो ये हम दूसरा साइड भी फिक्स कर लेंगे होल करके।
मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, इसलिए हमने स्किप कर लिया वीडियो को। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे तरीके से टाइट स्क्रू की सहायता से। देख सकते हो ये हमने दूसरा स्क्रू भी होल कर लिया, इसको भी टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है कि मतलब स्टैंड तैयार हो गया धार लगाने वाला। तो मैं पानी को फिक्स रखने के लिए एक और ब्लीडिंग पट्टी का यूज़ करूँगा, जिसमें दो होल कर लूँगा जिससे कि पाना फिक्स हो जाएगा। ये देख सकते हो मैंने ब्लीडिंग सेम साइज़ का ले लिया है, हम इसे दो होल मार के फिक्स कर लेंगे। एक होल हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देता हूँ मैं, और दूसरा होल दूसरी बगल में कर लेते हैं। इसे ढीला करके पाना टाइट करने में आसानी होगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया धार कैसे लगता है, आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमने धार लगाते हैं। तो ये हमने पाना निकाला, अब मैं इसमें फिक्स करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ये फिक्स कैसा होता है। और हाँ दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे इंफॉर्मेशन और ऐसे डीप टूल्स साथ ही जुगाड़ कुछ ना कुछ लाते रहते हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से फिट हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप ऐसा बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।